जी पेज नंबर 20 पे आ जाए। रेशियो प्रॉब्लम हमारा आज का चैप्टर है, जैसे कल भी आपको मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फॉर सीएसएस पे एंड आल्सो स्पेशली फॉर वन पेपर। सीएसएस के लिए अगर देखा जाए तो ये जो पास्ट पेपर्स में आया है दैट आर 2017, 18, 19 और 20, और इस दफा 2022 के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये 21 में नहीं आया हुआ, 22 में ये दोबारा आ सकता है। इसी तरह जो रेशो के साथ एक और चैप्टर आता है प्रोपोर्शन बो इंटरवल, हम लोग कल पढ़ेंगे मंडे वाले दिन, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है 2022 के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि रेशो प्रॉब्लम में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम ये 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनको भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है रेशियो प्रॉब्लम के, वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने रेशियो को हमने फाइंड आउट करना होता है, सिंपल रेशियो को, यानी कि आपको सिंपल रेशन में आपको रेशियो बताई जाती है तो मिसिंग होती है, उसमें से आप लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करना, एक किस तरह क्वेश्चन होता है। दूसरे क्वेश्चन जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि अगर आप पास्ट पेपर देखोगे ना जैसे 17, 18, 19 के, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनमें आप लोगों ने शेयर फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये जो शेयर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये लाजमी आपके पेपर में आते हैं, चाहे आप पीएसएस के पेपर में बैठे हो, चाहे आप वन पेपर में बैठे हो, आप पीएससी, पीपीएससी, एमटीएस, गैट, नैट वगैरह जिसके पेपर। तो सबसे पहले अभी हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं जो कि आपके सिंपल रेशियो वाले, जो सिंपल रेशियो वाले क्वेश्चन है ये मोस्टली वन पेपर के लिए आते हैं। वन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। अभी इसको देखिएगा कि ये किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर ए रेशो बी की वैल्यू थ्री रेशो फाइव हो और ए रेशो सी की वैल्यू 5:7 हो, तो फिर आपने बताना है कि बी रेशियो सी की वैल्यू क्या हो। ठीक है, अगर ए बी 3:5 हो और ए सी 5:7 हो तो बी सी की वैल्यू क्या हो। यहाँ पे आपसे ए बी सी भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने यह देखना है कि ये भी हमें गिवन है वैल्यू और ये वैल्यू भी हमें गिवन है, ये दो हमें गिवन है और ये जो है ये वाली रिक्वायर्ड है इसमें। तो जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी उसको आप लोगों ने इस तरह एडजस्ट करना है कि उनमें जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको आपने सेंटर में लिखना है। ये वन पेपर के लिहाज से है, शॉर्टकट आप लिखा आपको बता रहा हूँ। पीएसएस में अगर आए तब भी आप लोगों ने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि अब इनमें देखें इनमें कौन सी वैल्यू कॉमन है, ए बी और ए सी में क्या वैल्यू कॉमन है, जो डबल आई हुई है ए कॉमन है इसमें। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी इसमें कॉमन होगी उसको आप लोगों ने सेंटर में लिखना है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, उसको आपने सेंटर में लिखना है। अब जैसे ए बी और ए सी में ए कॉमन है तो आप इसको लिखेंगे बी ए सी, ए कॉमन था तो ए को मैंने सेंटर में लिख लिया। अब आप इसको वैल्यूज पुट कर दें, ए की वैल्यू है 3, ए के नीचे 3, बी की वैल्यू 5 या बी के नीचे 5, ए की वैल्यू 5 या ए के नीचे, यानी कि 3 के नीचे 5, सी की वैल्यू 7 या सी के नीचे 7, आप इसका से क्लाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटा सा रूल ये याद रखना है कि जो वैल्यू मिसिंग होगी ना, ये एक मिसिंग है और ये एक मिसिंग है, इसको अब आप लोगों ने फिल कैसे करना है, आपने हमेशा इनको अपने राइट लेफ्ट देख के आपने इनको फिल करना, यानी कि अब इसके लेफ्ट पे क्या 3 है, आप इसको 3 फिल कर दें, इसके राइट पे 5 है, आप इसको 5 फिल कर दें। ठीक है, अब आप इनको आपस मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25 5 3 15 3 7 21, ये सारा कुछ काम आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, आपको एट दिस टाइम आपको बस वो याद नहीं रहता,
ये सारा हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। अब हमने फाइंड आउट करना है बी रेशो सी, तो बी की वैल्यू आई 25, रेशो सी की वैल्यू आई 21, तो आपके पास बी रेशो सी कितना आ गया 25:21। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट इसको कर देता हूँ। जी हाँ जी, किसी का क्वेश्चन? सर ये 25 बी रेशो 25 किस तरह आया सर? 5×5=25। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूँ। आपने सबसे पहले ए बी और ए सी में देखा कि ए कॉमन है, ए को आपने सेंटर में लिख लिया, फिर आप लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट की। वैल्यूज किस तरह पुट की कि आपने इसमें सबसे पहले काम ए दरमियान लिखा, क्योंकि ए बी और ए सी ए कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7। अब ये आप इसके राइट लेफ्ट देखें, इसके लेफ्ट पे 3 है, रिफिल कर दें, इसके राइट पे 5 है, 5 फिल कर दें, इनको मल्टीप्लाई करें, 5×5=25, 5×3=15, 3×7=21। ये बी की वैल्यू आ गई 25, सी की वैल्यू आ गई 21, ये आपने नोट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम यही चीज़ है, आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन में करने में हेल्प करनी है। क्वेश्चन 2 में मुझे बताएं कि जो वैल्यूज गिवन है उनमें कौन सी वैल्यू कॉमन है। ए बी की वैल्यू है बी कॉमन 3:4 और बी रेशो सी की वैल्यू है 5:6। आपने फाइंड आउट करना है ए रेशो सी, तो पहली जो दो गिवन है उसमें क्या कॉमन है, उसमें बी कॉमन है, तो बी को हम लोग सेंटर में लिखेंगे। हम इसको लिख लेते हैं ए बी और सी। ए बी की वैल्यू 3:4, बी सी की वैल्यू 5:6। अब इसके फिल करनी है, किस तरह फिल करेंगे, इसके लेफ्ट पे 4 है, 4 कर दें, इसके राइट पे 5 है, 5 कर दें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3×5=15, 4×5=20 और 4×6=24। आपको वैल्यू चाहिए ए रेशो सी की, ए की वैल्यू आई 15। ये मैं यहाँ पे आंसर में लिखते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ए की वैल्यू आ गई 15, सी की वैल्यू आ गई 24। अब आप लोगों ने जब ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में आंसर है ही नहीं 15, 24। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों पे 3 का टेबल जा रहा है, 3×5=38 का, तो 5:8 आपका राइट आंसर। ठीक है, एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, रेशो को हम लोग बटा भी लिखते हैं, यानी कि 15:24 को हम लोग 15/24 भी लिख सकते हैं, 3×5=15, 3×8=24, 5/8, 5/8 मीन्स 5:8। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे जरा रेशियो जरा बना के दें। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, उसको सेंटर में लिखे, मुझे जरा रेशियो की बना के। अच्छा बस, फिर मैं आगे आप लोगों को इसका एक जो एक तीसरा स्टेप है वो भी आपको करके दूं। अब ये एक स्टेप अभी आगे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे पहले जरा रेशियो बना के दें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक लार्ज जार है जिसमें 70 टोटल मार्बल है और वो 3 कलर के हैं, रेड व्हाइट और ब्लू। फिर कहता है रेड और व्हाइट की रेशियो है 2:3। फिर कहता है व्हाइट और ब्लू की रेशियो 4:5। बताएं हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड। अब इसमें देखें वो रेड व्हाइट और व्हाइट ब्लू, व्हाइट इसमें रिपीट हुआ है, व्हाइट को आप लोग सेंटर में लिखेंगे। आप इसको पहले ये बनाएंगे रेड रेशो वाइट रेशो ब्लू, वाइट रिपीट है तो वाइट को सेंटर में लिखता है, रेड और वाइट की रेशो 2:3 है,
व्हाइट ब्लू की रेशियो 4:5 है, इसको 3 फिल कर दें, इसको 4 फिल कर, या जाएगा 2 4 8, 3 4 12, 3 5 15। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन वही हो गया जो हम लोगों ने अभी पिछले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब इससे फर्दर वो आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा वो बढ़ा रहा है, वो ये कह रहा है कि टोटल मार्बल है 70, वो ये कहता है मुझे बताओ इनमें से रेड मार्बल कितने होंगे। अब ये रेड मार्बल 8 नहीं है, ये 8 इसकी रेशियो आई है, यानी कि 8 ऐसे रेड है, 12 ऐसे वाइट है, 15 ऐसे ब्लू है, ये 8 रेड नहीं है ये। अब रेड अब आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करने हैं, अब यहाँ पे अब आपके 2 तरीके हैं। एक तरीका पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों का तरीका आएगा शॉर्टकट तरीका, पहला जो तरीका है दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट वे, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं शॉर्टकट तरीका क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शॉर्टकट तरीका है फॉर वन पेपर, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है, शेयर इज इक्वल टू रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ छोटी क्लास में। अब यहाँ पे आप लोग इसको पुट करें, शेयर की जगह आ जाएगा रेड मार्बल, यानी रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल की रेशियो 8 डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो, इन तीनों को सम करें, 8, 12, 20 और 15, 35, 35 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब ये टोटल मार्बल, टोटल मार्बल कितने हैं 70, 35 2 दैट 70, 8 2 दैट 16, तो रेड आपके पास कितने आ गए 16 मार्बल। इसी तरह अगर वो वाइट कहेगा तो वाइट आपने लिख के वाइट की जगह यहाँ पे 8 की जगह 12 डालना है, डिवाइडेड 35 इंटू 70। अगर वो ब्लू कहता है तो ब्लू में 8 की जगह 15 डालेंगे, डिवाइडेड 35 इंटू 70, आपके आंसर आपके आ जाएंगे। ये तो था शॉर्टकट वे, और ये वे आप लोगों ने तब लगाना है जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आपको देगा, आसान सा देगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन उसने थोड़ा सा मुश्किल उसने दे दिया, उसने टेक्निकल दे दिया है, जैसे आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे 1, 2, 35, 36, 37, 38, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे फिर हमारा ये वाला तरीका फिर नहीं लगेगा, वहाँ पे हमें फिर एक दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। और ये जो तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ ये है फॉर CSS एंड वन पेपर बोथ, यानी कि CSS में भी आप लगा सकते हैं और वन पेपर में लगा सकते हैं। वन पेपर में ये तो शॉर्टकट है, आप लेंथी वे से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये शॉर्टकट वे अगर भूल गया या आपके क्वेश्चन को टेक्निकल आ गया। अब CSS में अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आप लोगों ने एलेबोरेट करके लिखना होता है, जस्टिफाई आपने करना होता है, स्टेप वाइज आपने करना होता है। यहाँ पे अब आप लोगों ने इसको लेट करना है, लेट शेयर द ऑफ ए सॉरी शेयर द ऑफ रेड, इसको दोबारा मैंने लिखता हूँ, लेट रेड नंबर ऑफ रेड वाइट एंड ब्लू मार्बल दार, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ये जो रेशो दी है ना 8, 12 और 15, ये वाला रेशो, इसको आप लोगों ने एक्स के फॉर्म में आपने लेट कर लेना है कि ये रेड की जो रेशो 8 है ये 8x बोल दें, ये जो 12 है ये 12x बोल दो गई, और ये 15 जो है ये 15x बॉल यानी मार्बल हो गए, यानी कि रेड वाइट और ब्लू कितने कितने मार्बल हैं 8x 12x और 15x, इसी रेशो को आपने एक्स के बारे में आपने लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे,
इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है 70। अब यहाँ से अब आपने निकालनी है एक एक्स की वैल्यू, यानी कि जो इनका कॉमन जो शेयर होगा ना वो आपने निकालना है। 8 + 12 = 20, 20 + 15 = 35, एक्स इज इक्वल टू 70 अपॉन 35, एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये जो एक्स इज इक्वल टू 2 आया, ये आपके कॉमन एक शेयर है। कॉमन शेयर आप यहाँ पे जब आप पुट करोगे आपको वो ब्लू मार्बल बता देगा, यहाँ पे जब पुट करोगे आपको रेड, और यहाँ पे जब पुट करोगे आपको वाइट मार्बल बता देगा। मतलब अगर आपने इसमें से रेड अगर मार्बल निकालना है तो रेड मार्बल की वैल्यू क्या आएगी, रेड मार्बल आपने क्या लटके 8x लटके है ना, 8 × x की जगह ये x की वैल्यू कितनी है 2 16। अगर आपने वाइट अगर मालूम करना है तो वाइट कितना आएगा, वाइट आपने लेट के 12x मीन्स 12 × 2 = 24। और अगर आप लोगों ने ब्लू मालूम करने हैं तो ब्लू क्या लेट के थे 15x, 15 × x की जगह 2, ये आ गया 30। आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे ये 70 के इक्वल आएंगे। प्लस करना नहीं है, वैसे आपको मैं बता रहा हूँ इसका एक जिसको रीचेकिंग है, जब आप इन तीनों को वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास 70 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आप लोगों ने शेयर फाइंड आउट करना होगा, ये आपके जैसे आपको मैंने सीएसएस के पास पेपर में बताया गया, सब में आप लोगों ने शेयर फाइंड आउट करने, तो शेयर वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ये वाला प्रोसेस आपने यूज करना है फॉर सीएसएस एंड वन पेपर। और वन पेपर के लिए अगर आप लोग शॉर्टकट तरीका यूज करना चाहते हैं ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस के लिए कोशिश करें आप लोग ये शॉर्टकट तरीका ना यूज करें, इससे आप लोगों को वो मार्क्स पूरे वो नहीं देगा, क्योंकि ये शॉर्टकट हो जाता है मैक्सिमम 2 स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, अब आप लोगों का काम क्या, आप लोगों ने अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 4 करके देना है, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे ट्राई करके दें सर ये, और क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस क्या है वो भी मुझे बताएं सर। ये जो कॉमन वैल्यू 2 है ये सर, इसका थोड़ा कांसेप्ट नहीं समझ आया कि कॉमन वैल्यू का क्या मतलब है सर यहां पे। कॉमन वैल्यू मतलब जो इसका भी वही 2 शेयर है, इसका भी वही 2 शेयर है, इसका भी वही 2 शेयर है, आपने एक्स की वैल्यू आपने इसको फाइंड आउट करनी है। इस तरीका कार में आपने पहले आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी एक्स को फिर आपने पुट करके अपने आंसर आपने निकाल देना। हाँ जी सर, और हमने देखा कि जो मतलब शेयर उसका 8 शेयर है, उसका 12 शेयर है, लेकिन इसमें ये बता रहा है कि जो उनका शेयर है वो 2 है, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। कॉमन एक वैल्यू आ गई ना, कॉमन एक वैल्यू आ गई यार, असल में आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। आपके पास 300 है, उमर के पास 200 है, मेरे पास 500 है, ये 000 कैंसिल करें, ये आपके पास 3 हिस्से, मेरे पास 2 हिस्से, बिलाल के पास 5 हिस्से आ गए। ठीक है, आपके पास 300 था, उमर के पास 200, मेरे पास 500, तो ये 3 × 2 = 5 कैसे आ गया, इनमें 100 जो था इनमें 100 एक कॉमन आ रहा था, 100 इनमें कॉमन आ रहा था ना, ये 300 हो गया, ये 200 हो गया, ये 500 हो गया। ठीक है, 100 इनमें एक शेयर जो था 100 वाले शेयर एक कॉमन था, वो 100 अगर इसमें से मैं स्किप करूँ तो आपके पास 3 इससे आते हैं, 100 इसमें से स्किप करूँ तो मेरे पास 2 इससे आते हैं, 100 इसमें से मैं स्किप करूँ तो उमर के पास 5 इससे आते हैं। ये इस तरह 100 यानी कि एक कॉमन एक उसमें शेयर है। इसी तरह एक्स इनमें एक कॉमन एक शेयर, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 इसमें भी आ रहा है, तीन का हमने किया है, अगर हम 4 का करना चाहें आर डब्ल्यू यानी ए बी सी डी 4 का ले लें और उनमें से कोई ए डी या ए बी सी कुछ भी मालूम करना चाहें सर, वो एक क्वेश्चन क्योंकि इसमें सिंगल स्पेस आती है जिस तरह 3 और 4 हमने पुट किया खुद से राइट हैंड लेफ्ट हैंड की मदद से, तो वहां पे दो स्पेस खाली आ जाती है। मैं करवा देता हूं आप क्वेश्चन नंबर 4 का अटेम्प्ट करें। ये आप क्वेश्चन मुझे बता रहे हो पीपीएससी में सर क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 करें अटेम्प्ट करें, शाबाश, उसको मैं आपको फिर गाइड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे जरा खुद करके दें, शाबाश, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में फर्क ये है
कि क्वेश्चन नंबर फोर में आपको रेशो बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को सेंटर पर रखने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी आपको रेशो बनी बनाई उसने दे दी है, यानी कि क्वेश्चन अब आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो गया। कहता है चमन आइस बार पे जो एक दिन को कप सेल हुए ना, टोटल कप जो सेल हुए है ना, टोटल कप सोल्ड वो सेल हुए 900 आइसक्रीम के। फिर वो कहता है कि ये जो सेल हुए ये किस किस तरह सेल हुए, सेल जिस हुए थे ये वाले वन डे 900 कप फॉर सोल्ड एंड द रेशो मैंगो टू बनाना टू वनीला, मैंगो बनाना रेशो वनीला, ये इसकी जो रेशो आ रही है ना, ये आ रही है जी, ये कितने कितने जी बता रहा है 512 बच्ची मैंगो बनाना और वनीला 512 बच्ची। अब इसने आपको बनी बनाई उसने रेशो दे दिए, यानी कि आपने किसी को सेंटर में मैंगो या बनाना वनीला को सेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसने क्वेश्चन आपको उसने यहाँ से उसने बना बनाया दे दी, यहाँ से उसने बना बनाया आपको रेशो दे दिया। अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है वनीला, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग इनको लेट कर लें, लेट मैंगो बनाना एंड वनीला कप्स आर 5x 12x और 3x, आप इन तीनों का प्लस करें इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितनी है 900 का। सारे क्वेश्चन का सेम पैटर्न आएगा 5, 12, 17 और 320x 900, यहां से एक कॉमन आप x की वैल्यू कॉमन निकाल लें 900 डिवाइडेड 20 तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 45। अब ये 45 यहाँ पे पुट करेंगे तो मैंगो, यहाँ पे पुट करेंगे बनाना, यहाँ पुट करेंगे वनीला, आपको वनीला कप्स चाहिए तो वनीला कप्स के लिए आप इसको 3x में आप पुट कर दो, वनीला कप्स कितने आ जाएंगे 3x का मतलब 3 × x की जगह 45 ये आ जाएंगे 135 का। शॉर्टकट से अगर करना है शॉर्टकट आसान होगा, वनीला कप्स इक्वल टू वनीला की रेशो 5 डिवाइडेड सम ऑफ रेशो 20 मल्टीप्लाई टोटल कप्स 9, ठीक है, धीरे धीरे कैंसिल, ये तरीका कार वही है, ये देखो ना यहाँ पे आपके पास 45 भी आया है, 45 को आपने ये सॉरी मैंने 5 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 आना चाहिए, 45 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा 135। आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करके देना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा उसमें गलतियाँ होती हैं, क्वेश्चन 5 पे शाबाश मुझे जरा कैलकुलेशन करके दे, शाबाश, क्वेश्चन 5 में एक का शेयर कितना आता है ये मुझे जरा सॉल्व करके दे, शाबाश, विद इन आप लोगों ने 1 मिनट आपने मुझे आंसर बताना है, विद इन 1 मिनट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए रेशो बी रेशो सी है और ये है इस तरह 3, 4 और 5 सर 606 आ रहा है, ओके इसको भी कंफर्म करते हैं, और फिर कहता है कि टोटल उनके पास रुपीज है 2424 रुपीज, वो ये कहता है मुझे बताओ ए का शेयर कितना है। अब ये भी क्वेश्चन आसान है, आप लोग छोटे फार्मूले से भी आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन को आप लोगों ने देखना है, क्वेश्चन अगर आपको आसान अगर लगता है वन पेपर में अगर आप बैठे आप छोटे फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, सीएसएस में अगर आप लोग बैठे हो फिर आप लोग एक्स वाला मेथड आप लोग यूज करो, तो बहरहाल यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट ही मैं यूज करके दे देता हूँ, ए शेयर इज इक्वल टू रेशो डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड टोटल वैल्यू, 3 1 3 4
फोर को 24 पे जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 606। अब आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे सच सच बताना है कि आपका आंसर 66 आया था? हाँ जी बच्चों, किसी का आया 66 आंसर? यस सर। सर वो इसमें जो मिस्टेक होती है 24 को कट करते हैं, उसको जीरो मिस करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ जी, बस यही मैंने डिस्कस करना था। और किसी का नहीं आया 66? सबका 606 आया था। इसका मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स ने फिर कैलकुलेटर पर यूज कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, किसी का 66 नहीं आया था? चले शाबाश, ये तो अच्छी बात। अगर किसी का 66 नहीं आया, 606 वायरल इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, 24 को जब आप 4 पे आप डिवाइड अप करते हैं तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 4 6 24, ये 24 नीचे उतारा, 4 6 24, इसको ऐसे कर देते हैं। ये मेथड गलत है, रॉन्ग है। आपने याद रखना है 24 को जब आपने 6 आपने डिवाइड किया, 6 4 24, अब आपने दोनों डिजिट आपने इकट्ठे नहीं उतारने, हमेशा एक एक डिजिट नीचे उतारते, पहले 2 को नीचे उतारे। अब आपने ये देखा 6 का टेबल 2 पे नहीं जाता, ऊपर आपने 0 लगा के, ये मैंने 4 को डिवाइड करना था, 4 6 था, ऊपर आपने 0 लगा के देन आपने नेक्स्ट डिजिट आपने नीचे उतारना इस तरह। अब 4 6 24, ये आपका आंसर कितना आ गया, 6। इस तरह आता है 66 आपका आंसर, आपका गलत हो जाएगा। सर जी 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 सर, अगर ये डिवीजन में कोई ऐसा इंस आ जाए कि मतलब वो 2 पे पूरा नहीं जाता ना, मतलब उसको लिए हमने तीसरा इंस भी नीचे उतारना पड़े ना, तो उसके लिए फिर एक और 0 ऊपर लगाएंगे सर ये, या फिर वही एक 0 कंसीडर किया जाएगा? आप एक वैल्यू आप लोग लिखे, मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन है एनटीएस में आया था, 19 0 19 को 19 पे डिवाइड करते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें 19 1 19 क्रॉस 0 उतारे, 0 पे 19 का टेबल जा रहा है नहीं जा रहा, 0 लगाओ नेक्स्ट डिजिट उतार लो, क्या 19 का 1 पे टेबल जा रहा है नहीं जा रहा, एक और 0 लगाओ नेक्स्ट डिजिट उतार लो, 19 1 19। आप समझ आ गई आपका क्वेश्चन का आंसर? ये कितनी दफा जो भी डिजिट उतारोगे, अगर टेबल नहीं जाएगा एक और 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट उतार लो, फिर भी नहीं जा रहा नेक्स्ट 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट उतार लो, लेकिन डिजिट तब उतारे जब आपके पास होंगे, अगर नहीं फिर हम लोग फिर पॉइंट पे लगा के अगला डिजिट हम लोग 0 पे खुद बना देते हैं। अच्छा यार, आप में से किसी ने भी पहले क्वेश्चन किया था कि सर अगर हमारे पास 4-4 रेशियो आ जाए, आप में से शायद खुरम भी आपने शायद क्वेश्चन किया था। यस, अभी आप लोगों को वो मैं क्वेश्चन में समझा दूं जिसमें आपके पास 4-4 वैल्यूज आती है, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपके ना पीपीएससी के पास्ट पेपर में इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अभी स्टडी मटेरियल में नहीं है, आगे मैंने जो बुक मेरी जो आएगी ना पब्लिश होकर इंशाल्लाह वो आ जानी मैक्सिमम विद इन 1 वीक, इंशाल्लाह मेरी बुक भी आ जाएगी मार्केट में, इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। उसमें ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है 4 वाला, तो उसके मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब ए रेशो बी की वैल्यू है 2 3, बी रेशो सी की वैल्यू है 3 4, और सी रेशो डी की वैल्यू मैं कह लेता हूँ 4 5। आपको कहता है बताएं जी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू क्या होगी। एग्जैक्टली सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका पीपीएससी में आया हुआ इस तरह का। अब आप लोगों ने क्या करना, अब आपने ये चारों आपने रेशो लिखने हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 3, बी रेशो सी की वैल्यू 3 4, और सी रेशो डी की वैल्यू 4 5। ये देखना सी के नीचे 4 और डी के नीचे 5 इस तरह। अब आपने ये देखना है कि इनमें कौन कौन सी जगह मिसिंग है, जो जो जगह मिसिंग है ना उसको राइट लेफ्ट फिल करना है। ये जगह मिसिंग है ना इसके लेफ्ट पे 3 है, ये जगह मिसिंग है इसके लेफ्ट पे 3 है, ये जगह मिसिंग है इसके राइट पे 4 है, ये मिसिंग है इसके लेफ्ट पे 3 है, ये जगह मिसिंग है इसके लेफ्ट पे 4 है, ये जगह मिसिंग है इसके राइट पे 4 है। और हम समझ आ गई वही मेथड जो सेम आपको मैंने बताया। अब इनको फिल करो शाबाश, 2 3 6 4 24, 3 3 9 4 36, 3 4 12 12 4 48, और 3 4 12 5 7। अब देखो इन सब पे कॉमन टेबल जा रहा है 12 का, सब पे कॉमन जा रहा है 12 2 दर
ट्वेल्व थ्री दर, ट्वेल्व फोर दर, ट्वेल्व फाइव दर, एग्जैक्टली उसका आंसर भी यही आता है, टू रेशो थ्री रेशो फाइव। सर ये लेफ्ट और राइट का ये रूल्स कुछ अजीब सा नहीं है सर, कि मतलब लेफ्ट पे ले ले राइट पे ले ले सर, जो उनका एम्प्टी है सर। यार ये तो हमारे पांच हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस रूल के साथ, मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए ये भी इसी रूल से हुआ था, ये भी इसी रूल से हुआ था, ये भी, ये तो मैं स्टार्ट से मैं आपको रूल में बता रहा हूँ। मैं आपने सिंपली अपने राइट लेफ्ट देखना, जो जो जगह खाली आपने उसको राइट लेफ्ट देख के आपने फिल कर देना, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने आगे ये जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, सिर्फ बस आपको अभी मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर करके देने लगा हूँ, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34-35 तक आप लोगों ने क्वेश्चन आपने उनको खुद अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर पर एंड होगा, क्योंकि आखिर में जो पास पेपर था ना वो ऑलरेडी उसके मैंने ऑलरेडी वीडियो में रिकॉर्ड की हुई है, वह दैट इज आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो में दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने सी एस एस के पास पेपर सॉल्व किए हुए हैं 38 से ऑनवर्ड। अभी आपको जो मैं क्वेश्चन में करवाने लगा हूँ, लास्ट आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक आपने इनको खुद आपने ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए सिक्स जरा डिफरेंट है, इसलिए आपको मैं करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है कि एक कार जो है वो कवर करती है 180 माइल दो घंटे में, कार जो है वो कवर करती है 180 माइल इन टू आवर्स। अच्छा जो बस जो है वो कवर करती है 150 माइल इन थ्री आवर्स। अब उसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर डिस्टेंस कवर्ड पर आवर। उन्होंने जो डिस्टेंस जो कवर किया है ना, यानी कि कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया है रेशियो, बस ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आप मुझे बताओ कि इनकी रेशियो क्या बनती है। लेकिन आपने रेशियो बतानी है पर आवर के लिहाज से। अब कार ने कवर किया 180 माइल्स, बस ने कवर किया 150 माइल। अभी आप इसको नोट ना कीजिएगा, अभी आप मैं गलती में बताने लगा। अब सुनो गलती क्या करते हैं, धीरे धीरे कैंसिल किया, ए ऑप्शन देखे, ए ऑप्शन 18-15, ग्रेट धन्यवाद, मेरा आंसर तो आ गया 18-15। लेकिन ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है, उसकी वजह ये है कि इसमें सबसे पहले आप लोगों ने इसको वन आवर में तो आप इसको लेके नहीं आए भाई, ये 180 जो माइल है ये दो घंटे में, ये जो 150 माइल है ये तीन घंटे में। मुझे आप एक बात बताओ, अगर कार अगर 180 माइल दो घंटे में कवर करती है तो एक घंटे में कितना कवर करेगी ये? हाँ जी बताएं। 90 माइल करेगी ना, अगर ये 150 अगर तीन घंटे में करती है तो एक घंटे में कितना करेगी? 75 पर आवर में आ जाएगा, ये पर आवर में आ गया 90 माइल, ये पर आवर में आ गया 50 माइल। अब इनकी रेशियो आपकी ठीक आएगी, क्योंकि उसने आपसे पर आवर में उसने पूछा हुआ है, तो ये अब आपकी रेशियो आ जाएगी 9:5, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। अब फर्दर अब आप लोगों ने छोटा सा काम ये करना है, आप लोगों ने जो आगे जितने भी क्वेश्चन देना है इनको आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 34 तक आपके सेम आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 तक आपके सेम क्वेश्चन है। इनमें से दो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने ड्रॉप करने हैं, जो कि अभी आप लोगों ने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर एक होगा ड्रॉप, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 20, इसलिए क्योंकि इनमें आ रहा है ज्योमेट्री का कंसेप्ट आ रहा है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट। ये जब आप लोग ज्योमेट्री जब कर लेंगे ना, उसके बाद आपको फिर ये समझ आएगा, क्योंकि अभी अगर ज्योमेट्री आपने नहीं किया हो, अभी आपको पहले मुझे एरियाज बताने पड़ेंगे, पैरामीटर बताने पड़ेंगे, रेडियस बताने पड़ेंगे, डायमीटर बताने पड़ेंगे। तो ये सिंपली अभी आप लोगों ने इनको अभी ड्रॉप अभी करना है, आप लोगों ने जो क्वेश्चन आपने अभी ट्राई करने हैं वो आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 34 तक आपने खुद आपने ट्राई करना है। अभी आप लोगों की मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे ना, तो अभी आपको 35 से लेकर 38 तक क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है। उसके बाद जो आगे जो फर्दर 39 से फर्दर आगे सीएसएस के पास पेपर हैं वो ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं, वो एज इट इज आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक दफा जरा लीव करके दोबारा ज्वाइन करेंगे, अभी आप लोगों को मैं वो वाले टेक्निकल क्वेश्चन करके देने लगा हूँ जिनमें आप लोगों का शॉर्टकट फार्मूला यूज नहीं हो सकता,
ठीक है, जो कि मुश्किल क्वेश्चन है, जो कि आपके सीएसएस के पास पेपर में, सीएसएस के आगे फर्दर पेपर में आपके आ भी सकते हैं, या आगे ये जो एडी लेवल के पेपर होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एकदम मुझे लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। थैंक यू।